चलिए फ्रेंड्स, इस कैटरपिलर के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर इस प्रकार का कैटरपिलर या कोई भी कैटरपिलर या इस प्रकार का कंबल कीड़ा आपको अगर काट लेता है तो आप सबसे पहले तो भैया जाकर सीधे आप कोई मिट्टी लगा लीजिए, मुल्तानी मिट्टी लगा लीजिए, या फिर लहसुन रहता है लहसुन का पेस्ट बनाकर जहाँ जिस जगह पे इसने काटा है या इसके रेशे गड़ गए हैं आप वो लहसुन का रस लगा लीजिए। फिर उससे भी ये थोड़ा आपको अटपटा आइडिया बता दूं तो फिर आप जो भी कोई राशरी वगैरह खाता हो या गुटखा खाता हो तो उसका जर्दे में जो चूना मिलाकर आप वो चीज़ लगा लीजिए तो आपका दर्द, देखो दर्द तो होना ही है, आप भले ही जल्दी लगा लो आपको इसका दर्द तो होना ही होना है, लेकिन आप ये सब चीज़ें जितनी जल्दी कर लेंगे, लहसुन वगैरह का पेस्ट लगा लेंगे तो आपका दर्द जल्दी कम हो जाएगा। ये देखिए, इसको इल्ली भी बोला जाता है, इसको कैटरपिला भी बोला जाता है, और ये कई लोग तो बोलते हैं कि ये तितली बन जाते हैं। देखिए किस प्रकार से चल रहा है। इसके इसके जो रेशे आप जो देख रहे हैं ये इतने तेज़ होते हैं कि आप इसका दर्द सहना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कि सांप ने काट लिया हो। देखो इसकी दोनों तरफ आँखें हैं, आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन ये जो आंखें मेरे को इसकी नकली लग रही है क्योंकि इस तरफ से चल नहीं रहा है, केवल डराने के लिए आंखें बनी हुई है, वो जा ही उस तरफ रहा है। देखो ये जा पीछे की ओर रहा है, लेकिन ये आंखें जो है ये कोई डिजाइन है, ये आंखें नहीं है। और ये जो है आंखें नहीं है, ये इसको ऊपर से दिखाता हूँ, तो ऊपर से कैसा दिखता है, एक स्क्वायर से भी छोटा है कैटरपिला। देखिए उस तरफ से चल रहा है जिस तरफ से अभी आपने देखा था ना इसका मुंह, उसके पास दांत भी दिए हैं, अगर ये दांत से भी काट देगा तो क्या हाल कर देगा। ये दिखने में इतना छोटा सा है मगर ये इतना खतरनाक होता है कि नज़र में नहीं आता। ये अपने दांत दिखा नहीं रहा, एक बार वो दिखा दे दांत, फिर मैं इसको वापस छोड़ के आ जाऊँगा उसकी जगह पर। ये बहुत ही अजीब तरह का कैटरपिला है जो अभी तक मैंने देखा है। इसकी लगता है एक आंख इसकी बेवकूफ़ बनाने के लिए दी है, पीछे जो आंखें दी हैं वो नकली आंखें हैं, और ये सामने जो है यही असली आंखें लगता है इसकी। ये इसका मुंह है जो दिखा नहीं रहा, इसको पता है सामने कुछ है तो ये मुड़ जा रहा है। ये है असली कैटरपिला, ग्रीन कलर का, जो आम के पेड़ में मिलता है ज़्यादातर। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ, इस तरह के कैटरपिलर से बच के रहना क्योंकि आप इसके रेशे आप सोच भी नहीं सकते कितने खतरनाक हैं, इतना इतना खुजली मारेगा हाथ कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए ये मेरे को बहुत जहरीला कैटरपिलर लग रहा है, इससे मैं इसका मेरे को हल्का सी टच हुआ, मुझे इतनी तेज दर्द हुआ था अभी, इतने बारीक हैं इसके रेशे कि आपको दिख भी नहीं पाएंगे।